हेलो एवरीवन, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने हाइपर कंजुगेशन के बारे में पढ़ा था कि हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, कैसे ऑपरेट करता है। इस वीडियो लेक्चर में हम हाइपर कंजुगेशन की एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। अगर मैं हाइपर कंजुगेशन के बारे में बात करूं, हाइपर कंजुगेशन मैंने क्या बताया था कि हाइपर कंजुगेशन में सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है। और मैंने एग्जाम्पल के लिए डबल बॉन्ड पे जो अल्फा कार्बन है उस पे हाइड्रोजन जो है उसका एग्जाम्पल लिया था, और पॉजिटिव चार्ज के बगल में जो कार्बन है अल्फा कार्बन उसके हाइड्रोजन का एग्जाम्पल लिया था। ये दो आपको मैंने एग्जाम्पल हाइपर कंजुगेशन में प्रीवियस वीडियो लेक्चर में समझाए थे। सबसे पहली एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली एप्लीकेशन है हाइपर कंजुगेशन स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन डिसाइड करने में बहुत हेल्प करता है। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन डिसाइड करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। जैसे मैं एग्जांपल लूं, देखना, मैंने एग्जांपल लिया CH3CH2, एक नॉर्मल एल्कीन ले लेता हूं CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक एल्कीन लेता हूं CH3CH डबल बॉन्ड CH2, एक लेता हूं CH3CH डबल बॉन्ड CH3। अगली लेता हूं CH3CCH3 डबल बॉन्ड CH CH3, और लास्ट लेता हूं जब चारों के चारों इस कार्बन पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है। इनको मैं नंबर देता हूं 1 2 3 4 5। तो अगर आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर की बातें ध्यान है तो मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में ये कहा था कि एल्कीन के कार्बन पे जो अल्फा कार्बन होगा वहां से हाइपर कंजुगेशन देखना है। देखना, इस एल्कीन पे कोई अल्फा कार्बन नहीं है, तो यहां पे अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, जीरो। और अल्फा हाइड्रोजन जीरो हो गए तो हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर कितने हो गए, एक कंसीडर कर लो। वैसे तो यहां हाइपर कंजुगेशन है ही नहीं, लेकिन नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर जो होता है वो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस वन होता है, इसलिए एक कंसीडर कर लिया। ठीक है, यहां पे देखना ये एल्कीन के दोनों कार्बन है। इंडिविजुअल कार्बन पे देखना है कोई अल्फा है कि नहीं है। इस पे कोई अल्फा कार्बन नहीं है, नहीं है। इस पे अल्फा कार्बन है, कौन सा, ये रहा। इस अल्फा कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, तीन हाइड्रोजन है, तीन हाइड्रोजन है तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, तीन। और हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर कितने हो गए, चार। आई होप आप ड्रॉ कर सकते हैं हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। अगर मैं ड्रॉ करना चाहूं तो एक हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर में इसका ड्रॉ करके दिखाता हूं। कैसे ड्रॉ करोगे, CH डबल बॉन्ड CH2, ये अल्फा कार्बन है, इसके हाइड्रोजन यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां जाएगा, क्या बनेगा, इन दोनों हाइड्रोजन को तो मैं एज इट इज लिख रहा हूं CH2, इस हाइड्रोजन को कैसे लिखेंगे, एज एन एच पॉजिटिव। यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH और CH2 नेगेटिव, ये हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। तो तीन अल्फा हाइड्रोजन है तो चार हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर इज इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस वन होता है। ठीक है, तो यहां पे हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर कितने, चार। ठीक है, ये पहली एल्कीन ली थी, ये मैंने दूसरी एल्कीन ली थी। यहां पे देखना, इस कार्बन के लिए ये अल्फा है, इस कार्बन के लिए ये अल्फा है, तीन अल्फा हाइड्रोजन यहां से, तीन अल्फा हाइड्रोजन यहां से, और टोटल इस मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन देखूंगा तो छह हैं, और अल्फा हाइड्रोजन छह हैं तो हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनेंगे, सात। यहां पे आता हूं, देखो इस कार्बन के लिए ये दो एल्कीन के कार्बन है, इस कार्बन के लिए अल्फा, इस कार्बन के लिए ये भी अल्फा और ये भी अल्फा, टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, तीन, तीन छह और तीन नौ, अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, नौ। तो हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर कितने हो गए, दस। और यहां पे ये दोनों एल्कीन के कार्बन, इन पे अल्फा हाइड्रोजन देखना है, इस कार्बन के लिए दोनों अल्फा, इस कार्बन के लिए दोनों अल्फा, एल्कीन के कार्बन से जस्ट अगला अल्फा कहलाएगा, इस चीज को ध्यान रखना। तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन यहां कितने हो गए, तीन, तीन छह, तीन तीन नौ, तीन चौक बारह, अल्फा हाइड्रोजन अगर मैं देखूं तो बारह,
और हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर देखूं तो 13। ठीक है, पहली बात हमने इस एल्कीन के सभी हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर जो बन सकते थे उनका नंबर डिटरमाइन कर लिया। अगर मैं फिर से लिखूं, एल्कीन 1 में कितने स्ट्रक्चर बनेंगे? 1। एल्कीन 2 में कितने बनेंगे? 4। एल्कीन 3 में कितने बनेंगे? 7। एल्कीन 4 में कितने बनेंगे? 10। और एल्कीन 5 में कितने बनेंगे? 13। ये नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर है, हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। अब एल्कीन की स्टेबिलिटी जो है वो नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी जितने ज्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर उतनी ज्यादा एल्कीन की स्टेबिलिटी। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, ये दोनों फैक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन के, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन के। आई होप आपको हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन पता है। एक मोल अनसेचुरेटेड कंपाउंड में H2 ऐड करने पे जो सेचुरेटेड कंपाउंड बनता है, उस ड्यूरेशन में जो हीट रिलीज होती है वो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन है। मैंने आपको एरोमेटिसिटी पढ़ाते टाइम बताया भी होगा कि मानो ये एल्कीन है, इस एल्कीन में आपने इस डबल बॉन्ड को खत्म करने के लिए एक मोल H2 ऐड किया, तो ये डबल बॉन्ड खत्म होकर क्या बन गया? सेचुरेटेड कंपाउंड। ये प्रोसेस क्या है? ये प्रोसेस है हाइड्रोजिनेशन की, जिसमें आपने हाइड्रोजन ऐड कर दिया, और इस प्रोसेस में जो हीट वो रिलीज होगी वो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कहलाएगी, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कहलाएगी। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन जितनी ज्यादा होती है एल्कीन की स्टेबिलिटी उतनी कम होती है। एक चीज का ध्यान रखना, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन जितनी ज्यादा होती है एल्कीन की स्टेबिलिटी उतनी कम होती है। इसलिए जिस एल्कीन की हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ज्यादा है उसको लेस स्टेबल कहेंगे, और यहां से आप इनडायरेक्टली हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन को हाइपर कंजुगेशन से जोड़ सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप किसी भी एल्कीन की हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन भी निकाल सकते हो हाइपर कंजुगेशन से, और किसी भी एल्कीन की स्टेबिलिटी भी निकाल सकते हो हाइपर कंजुगेशन से। ये तो बात थी एल्कीन की स्टेबिलिटी हाइपर कंजुगेशन के टर्म्स में। मैं एक दो एग्जांपल और लेता हूं एल्कीन की स्टेबिलिटी के। जैसे मैं ऐसी एल्कीन लिखूं, CH3CH डबल बॉन्ड CCH3H और CH3C डबल बॉन्ड CCH3H और H। देखना है यहां पे, सबसे पहले तो नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर ढूंढेंगे। देखो यहां पे ये अल्फा टोटल अल्फा हाइड्रोजन 6, हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर 7। यहां पे ये वाला अल्फा टोटल अल्फा हाइड्रोजन 6 और हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर 7। इस केस में दोनों हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बराबर, मतलब दोनों एल्कीन में कितने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर आएंगे वो बराबर हो गया। तो अब हम हाइपर कंजुगेशन के बेसिस पे हम इन एल्कीन को स्टेबल या अनस्टेबल नहीं डिसाइड कर सकते, या ये डिसाइड नहीं कर सकते कौन ज्यादा स्टेबल है कौन कम स्टेबल है। क्वेश्चन समझ आ रहा है आई होप आपके, कि वो केस जिसमें नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बराबर हो गए, कोई दूसरा फैक्टर देखना होगा जो एल्कीन की स्टेबिलिटी या अनस्टेबिलिटी को डिसाइड करेगा। जैसे ये सिस एल्कीन है, सिस एल्कीन में जो मिथाइल ग्रुप होते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लेकिन ये ट्रांस एल्कीन है, ट्रांस एल्कीन में ये दोनों मिथाइल ग्रुप अपोजिट साइड होते हैं, एक दूसरे को रिपेल नहीं करते। तो बेशक इन दोनों एल्कीन में नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर अलग अलग है, नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर सेम है, इन दोनों की स्टेबिलिटी सेम नहीं है। सिस में क्योंकि रिपल्शन होती है तो सिस एल्कीन की स्टेबिलिटी कम होती है और ट्रांस एल्कीन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है जब नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बराबर हो गए। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा एक फैक्टर और आता है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन में, कि देखो एक एल्कीन ले ली मैंने ये, और एक एल्कीन मैंने ले ली ये,
इन दोनों एल्किन में फर्क क्या है? ये एल्किन कंजुगेटेड एल्किन है और ये आइसोलेटेड एल्किन है, कंजुगेशन नहीं है यहां पे, ठीक है। तो कंजुगेशन मैंने आपको बताया हो, कंजुगेशन जो है वो मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी बढ़ाता है, कंजुगेशन जो है वो मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी बढ़ाता है, इसलिए कंजुगेटेड एल्कीन जो है वो ज्यादा स्टेबल होती है आइसोलेटेड एल्कीन से। कंजुगेशन कंजुगेटेड एल्कीन जो होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है आइसोलेटेड एल्कीन से, इस बात को भी ध्यान रखना, ठीक है। अगर कंजुगेशन नहीं हो, देखो मैं ऐसा एग्जांपल लेता हूं, अब कोई कंजुगेशन का केस है नहीं है, कंजुगेशन आई तो मैंने आपको बताया था कंजुगेशन लीड करती है, तो कंजुगेटेड स्टेबल, आइसोलेटेड कम स्टेबल। अब देखो ये एग्जांपल कंजुगेशन कंजुगेटेड एल्कीन नहीं है, अब आप देखो हाइपर कंजुगेशन कैसे, मुझे बताना ये एल्कीन के दो कार्बन है तो ये अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन। यहां देखना ये एल्कीन के दो कार्बन है तो इस कार्बन के लिए ये वाला अल्फा और इस कार्बन के लिए ये वाला अल्फा, ये क्या है सी एच थ्री है और ये क्या है सी एच टू है, यहां पे तीन अल्फा हाइड्रोजन, यहां पे दो अल्फा हाइड्रोजन, टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए पांच, यहां पे दो ही थे यहां पे पांच अल्फा हाइड्रोजन हो गए। तो हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर यहां पे तीन बनेंगे, यहां पे हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनेंगे छह, तो कौन सी एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी जिसके हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा है, इसलिए ये एल्कीन ज्यादा स्टेबल है। ये पूरा आता बच्चों कि हाइपर कंजुगेशन या बाकी के फैक्टर्स एल्कीन की स्टेबिलिटी को किस तरह इफेक्ट करते हैं। अगर मैं सेकंड एप्लीकेशन की बात करूं हाइपर कंजुगेशन की, तो हाइपर कंजुगेशन क्या करता है, हाइपर कंजुगेशन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन को इफेक्ट करता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन को इफेक्ट करता है। कैसे, जैसे मैंने ये कार्बोकैटायन लिया सी एच टू पॉजिटिव सी एच थ्री, यहां से हाइपर कंजुगेशन क्या करता है, देखो ये कार्बोकैटायन है, ये इसका अल्फा कार्बन है, यहां अल्फा कार्बन वाले हाइड्रोजन जो है वो हाइपर कंजुगेशन शो कर सकते हैं। मैंने आपको जो हाइपर कंजुगेशन की वीडियो समझाई थी वीडियो वन, उसमें एक्सप्लेन किया था कि हाइपर कंजुगेशन कैसे होता है, ये सिग्मा बॉन्ड इस एम्प्टी पी ऑर्बिटल में अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर करके यहां डबल बॉन्ड बनाता है सी, ये एक एच यहां पे एक एच यहां पे, इस एच की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट हो गई तो एच पॉजिटिव डबल बॉन्ड सी एच टू। अब एक चीज बताना मुझे कि पहले तो जो पॉजिटिव चार्ज था वो सिर्फ इस कार्बन पे था, अब हाइपर कंजुगेशन होने से ये पॉजिटिव चार्जेस एच पॉजिटिव एच पे चला गया, और क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये जो चार्ज है ये डीलोकलाइज हो गया, चार्ज डीलोकलाइज हो गया, और चार्ज अगर डीलोकलाइज होता है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, चार्ज डीलोकलाइज होता है तो स्टेबिलिटी जो होती है, कोई भी स्पीशीज जिस पर पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है अगर उसका चार्ज डीलोकलाइज होगा तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। एग्जाम्पल देना, देखना मैंने कहा था आपको इलेक्ट्रॉन्स को पैसे की तरह कंसिडर कर लो, यहां पैसों की कमी है ऐसा कह दूं, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है तो पैसों की कमी है, कोई गरीब आदमी जिसके पास पैसों की कमी है एक बार के लिए उसकी पैसों की कमी अगर खत्म हो जाए, उसकी पैसों की कमी ना रहे तो क्या होगा, वो स्टेबल ही हो जाएगा। ऐसे कंसिडर कर सकते हो कि चार्ज डीलोकलाइज होने का मतलब होता है मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी का बढ़ना, और हाइपर कंजुगेशन कार्बोकैटायन के पॉजिटिव चार्ज को डीलोकलाइज कर देता है तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अब यहां पे देखना कितने अल्फा हाइड्रोजन है, तीन अल्फा हाइड्रोजन है तो हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनेंगे, चार बनेंगे। अब जितना ज्यादा हाइपर कंजुगेशन उतनी ज्यादा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, मैं ऐसे कह दूं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ
हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। और अगर ऐसा है तो आप इन कार्बोकैटायंस को कंसीडर करके इनकी स्टेबिलिटी बता सकते हैं। देखो, देखना, एक और लिख देता हूं मैं, CH3 CCH3 CH2 पॉजिटिव। इसके अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन कितने, अल्फा हाइड्रोजन 2, इस पे अल्फा हाइड्रोजन कितने 1, ये कार्बोकैटायन, ये अल्फा कार्बन, इस पे हाइड्रोजन 1 ही है, इस पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं 3 है, तो हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, जितना ज्यादा हाइपर कंजुगेशन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो इसको अगर मैं पहला लिखता हूं, इसको दूसरा और इसको तीसरा, तो पहले की स्टेबिलिटी दूसरे से ज्यादा और दूसरे की स्टेबिलिटी तीसरे से ज्यादा, ठीक है। इस तरीके से कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट कर सकता है। साथ ही साथ हाइपर कंजुगेशन जो होता है वो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को भी इफेक्ट कर सकता है, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल क्या होते हैं, फ्री रेडिकल ट्राइवेलेंट स्पीशीज होती है, ट्राइवेलेंट 7 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, और साथ ही साथ ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। अभी के लिए आप इतना सी बात समझो कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। ट्राइवेलेंट मतलब 3 बॉन्ड बनाते हैं, CR3 रेडिकल, ऐसे ही लिखते हो, 3 बॉन्ड बना रखे हैं तो ट्राइवेलेंट, 7 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होते हैं। जब इंटरमीडिएट करेंगे तब इनको और डिटेल में समझेंगे कैसे बनते हैं, क्या होता है, लेकिन अभी सिर्फ छोटा सा स्टेबिलिटी का फैक्टर कि कैसे हाइपर कंजुगेशन इनकी स्टेबिलिटी को इफेक्ट करता है। देखो, CH2 रेडिकल CH3, ये फ्री रेडिकल, इसका अल्फा कार्बन ये, और अल्फा कार्बन पे क्या है, हाइड्रोजन है, जिसे हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। अब देखना, CH रेडिकल, मैं इसका कंपैरिजन लेता हूं जो हम कार्बोकैटायन ले रहे थे उससे, CH कार्बोकैटायन के केस में क्या हो रहा था, जब हाइपर कंजुगेशन हो रहा था तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहां डोनेट हो रहे थे, लेकिन फ्री रेडिकल के केस में इस बॉन्ड का सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन यहां डोनेट होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो ये वाला डोनेट हो रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, इस एच पे। अब मुझे बताना हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा, HCH, इस एच पे अब एक इलेक्ट्रॉन है और यहां डबल बॉन्ड CH2, तो इस तरीके से हाइपर कंजुगेशन हो सकती है फ्री रेडिकल के केस में भी। फ्री रेडिकल में भी क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन का होता है, पी ऑर्बिटल में ही तो होता है, बस यहां पे ये पॉजिटिव चार्ज के केस में प्री ऑर्बिटल खाली है, फ्री रेडिकल के केस में पी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, इतना सही डिफरेंस आता है। और इस तरीके से इसकी हाइपर कंजुगेशन हम दिखा सकते हैं। तो कंसेप्ट बिल्कुल वही रहेगा कि जितने अल्फा हाइड्रोजन उतने ही हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। तो अल्फा हाइड्रोजन का कितने हैं यहां पे, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं 3, तो हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनेंगे 4 बिल्कुल बनेंगे। देखो, एक हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर मैंने इस हाइड्रोजन से बना दिया, दूसरा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर मैं इस हाइड्रोजन से बनाऊंगा, तीसरा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर मैं इस हाइड्रोजन से बनाऊंगा, और चौथा ये स्ट्रक्चर तो है ही, तो टोटल कितने स्ट्रक्चर बन जाएंगे, 4 स्ट्रक्चर बन जाएंगे। अब स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड करेंगे किसी भी फ्री रेडिकल की हाइपर कंजुगेशन से, उसकी बात कर लेते हैं। देखो, जैसे मैंने फ्री रेडिकल लिया CH3 CH2, एक लिया मैंने CH3 CH CH3, ना यहां पे CH2 ले लेता हूं CH2, और एक मैंने फ्री रेडिकल लिया CH3 CH3 HCH2। यहां पे देखना, इस केस में इंडक्टिव ज्यादा है, इस केस में इंडक्टिव थोड़ा कम होगा, इस केस में इंडक्टिव और कम होगा। आपको अगर ध्यान हो, जैसे जैसे लेंथ ऑफ कार्बन चेन बढ़ती है वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट भी बढ़ता है, तो यहां पे प्लस आई ज्यादा, यहां पे ऐसे लिखता हूं प्लस आई, यहां पे मैक्सिमम है और यहां पे प्लस आई मिनिमम है। और अगर मैं इन तीनों को ए
बी और सी का नाम दे दूं, तो क्योंकि प्लस आई फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी भी बढ़ाता है, तो मेरे अकॉर्डिंग सी ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, बी कम और ए सबसे कम। क्यों? ये प्लस आई कम देगा तो कम स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ये प्लस आई ज्यादा देगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा डोनेट करेगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा, ये सबसे ज्यादा प्लस आई देगा तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। ठीक है, एक एग्जांपल मैं स्किप कर रहा हूं जहां पे यहां सी एस थ्री और लगा दूंगा, ठीक है उसको मैं स्किप कर रहा हूं, वो भी सी के अकॉर्डिंग है। अच्छा, यहां पे प्लस आई सबसे ज्यादा, ठीक है। अब एक बात बताना, प्लस आई का इफेक्ट तो ये कहता है कि ए की स्टेबिलिटी लिस्ट सी की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, लेकिन अभी मैंने आपको बताया यहां पे हाइपर कंजुगेशन भी लग सकता है, और हाइपर कंजुगेशन लगने से क्या होगा, देखो यहां ये रेडिकल, ये अल्फा कार्बन और इस पे हाइड्रोजन कितना है, एक ही है, यानी अल्फा हाइड्रोजन कितना है, एक ही है, ये रेडिकल, ये अल्फा कार्बन, इस पे हाइड्रोजन कितने हैं, दो हैं, यानी अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, दो, यहां पे अल्फा हाइड्रोजन कितने, तीन, तो यहां पे हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर कितने, चार, यहां पे तीन, यहां पे दो, और आपको पता है जितने ज्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं उतनी ज्यादा फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी होती है। लिख लेना इस बात को, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। तो हाइपर कंजुगेशन के अकॉर्डिंग ए सबसे ज्यादा स्टेबल क्योंकि हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा है, बी उससे कम स्टेबल और सी सबसे कम स्टेबल। तो दो ऑर्डर ऑपोजिट आ गए, इसमें सी सबसे ज्यादा स्टेबल, इसमें ए सबसे ज्यादा स्टेबल, किसको माने? मैंने आपको कहा था हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव में हाइपर कंजुगेशन लीड करता है, यानी ये ऑर्डर ठीक है और ये ऑर्डर गलत है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना कि हाइपर कंजुगेशन फ्री रेडिकल कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को इफेक्ट करता है। एक एप्लीकेशन और हाइपर कंजुगेशन की जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बनती है, ठीक है, ये बेंजीन रिंग पे, बेंजीन रिंग। अब मुझे एक बात बताना, अगर मैं ये एल्कीन का कार्बन कंसीडर करूं तो क्या मैं इसको अल्फा कार्बन कंसीडर कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। ये सिस्टम देखो कितना है, सी डबल बॉन्ड सी और ये सी एस थ्री हो गए ना, यहां पे हाइपर कंजुगेशन लग सकती है, यहां पे हाइपर कंजुगेशन लग सकती है। ये मिथाइल ग्रुप क्या करेगा, हाइपर कंजुगेशन के थ्रू इस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर करेगा। कैसे करेगा उसको देखते हैं। देखो ये मैंने रिंग बनाई सी एच एच एच, ये डबल बॉन्ड है, इसके नेबर में ये अल्फा कार्बन, इस पे ये अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां डोनेट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन पे, क्या बनेगा सबसे पहला स्ट्रक्चर, यहां नेगेटिव, यहां सी एच पॉजिटिव, एच और एच। ठीक है, अब मुझे बताना ये नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगला स्ट्रक्चर क्या बनाऊं? ये स्ट्रक्चर बनेगा अगला। लेकिन एक चीज देखना, ये जो डिलोकलाइजेशन हुआ है इतना तो है हाइपर कंजुगेशन, और इसके बाद का ये है कंजुगेशन। क्या ये कंजुगेशन ही है? मैंने आपको टाइप ऑफ कंजुगेशन कराया था, क्या मैंने आपको टाइप ऑफ कंजुगेशन में इस तरीके का कंजुगेशन कराया था कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां और ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन पे, और ये इसी तरीके का तो है। देखो सी डबल बॉन्ड सी सी नेगेटिव, ये कंजुगेशन है, ये हाइपर कंजुगेशन है। फिर से कंजुगेशन के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन पेयर डिलोकलाइज, ये यहां पे नेगेटिव चार्ज। ये मैं स्ट्रक्चर क्यों बना रहा हूं, दो चीजें दिखाने के लिए, पहली बात हाइपर कंजुगेशन कैसे हो रही है, दूसरी बात जब यहां पे, पहली बात तो आपको समझ आ गई होगी कि जब भी बेंजीन रिंग पे एक कार्बन डायरेक्टली जुड़ा होता है जिसको हम अल्फा कार्बन कह सकते हैं, उस अल्फा कार्बन पे अगर हाइड्रोजन लगा है तो वो हाइड्रोजन रिंग में हाइपर कंजुगेशन में ट्रांसफर होके, या उस हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में हाइपर कंजुगेशन के थ्रू ट्रांसफर होके,
हाइपर कंजुगेशन के थ्रू ट्रांसफर होके रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा सकता है। और यही तो कहा था मैंने कि यह मिथाइल ग्रुप हाइपर कंजुगेशन के थ्रू रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ट्रांसफर करेगा। और कहां करेगा, देखना जहां पे लगा है उसके ऑर्थो पोजीशन और उसके पैरा पोजीशन पे ट्रांसफर करेगा। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये मिथाइल ग्रुप बेंजीन रिंग में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं। ये फैक्टर कहां काम आएगा, ये फैक्टर आपको जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों, ये फैक्टर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डिसाइड करते हुए बहुत काम आएगा। जब मैं कार्बोकैटायन कराऊंगा आपको, वहां पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के एग्जांपल्स कराऊंगा, वहां पे बहुत काम आएगा। लेकिन यहां पे सिर्फ आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि ये मिथाइल ग्रुप रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर करता है। अब मैं एक कंपैरिजन लेता हूं, किस किस का देखना, मैं यहां पे लेता हूं CH3 और एक मैं यहां पे लेता हूं CH2CH3। एक चीज देखना, ये अल्फा कार्बन था, अल्फा कार्बन के जो हाइड्रोजन थे वही रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे थे, वही हाइपर कंजुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे अल्फा कार्बन वाले। तो अल्फा कार्बन पे जितने ज्यादा हाइड्रोजन, मैं ऐसा कह सकता हूं उतनी ज्यादा हाइपर कंजुगेशन, अल्फा कार्बन पे जितने ज्यादा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा हाइपर कंजुगेशन, और जितनी ज्यादा हाइपर कंजुगेशन उतनी ज्यादा रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर। इस बात का इस्तेमाल मैं यहां पे करूंगा। मैंने क्या बात करी, कही कि रिंग के अल्फा कार्बन पे जितने हाइड्रोजन होंगे उतना हाइपर कंजुगेशन होगा, हाइपर कंजुगेशन होगा। क्यों, देखो यहां पे कितने हाइड्रोजन है, ये अल्फा कार्बन है, ये तीन हाइड्रोजन है, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, तीन हो गए। और यहां पे ये अल्फा कार्बन है, ये थोड़ी अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन है, इस पे कितने हाइड्रोजन है, दो, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, दो। अब एक चीज मुझे बताना, अगर अल्फा है हाइड्रोजन ज्यादा है तो मैं यहां पे कह दूं यहां पे हाइपर कंजुगेशन ज्यादा है, और अगर अल्फा हाइड्रोजन कम है तो यहां पे हाइपर कंजुगेशन कम है। अगर यहां पे हाइपर कंजुगेशन ज्यादा है तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं ये मिथाइल ग्रुप रिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा, और ये अगर यहां पे हाइपर कंजुगेशन कम है तो ये कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा। इस चीज का भी ध्यान रखना कि डायरेक्टली रिंग से जो कार्बन जुड़ा है उसके हाइड्रोजन कंसिडर करने। इवन एक चीज और देखो, यहां पे हाइपर कंजुगेशन तो कम है, लेकिन बताना क्या इस ग्रुप को मैं ऐसे कंसिडर कर लूं, इथाइल ग्रुप C2H5 हो गया और ये मिथाइल है, इस ग्रुप का प्लस आई ज्यादा होता है, इस ग्रुप का प्लस आई कम होता है, लेकिन क्योंकि हाइपर कंजुगेशन इंडक्टिव को लीड करता है इसलिए हम इंडक्टिव का डिस्कशन ही नहीं करते, इसलिए हम इंडक्टिव का डिस्कशन ही नहीं करते। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना कि हाइपर कंजुगेशन जो है, जितने ज्यादा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज्यादा हाइपर कंजुगेशन, उतनी ज्यादा रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर। ठीक है, अब एक छोटी सी बात और, हाइपर कंजुगेशन का आइसोटोप पे इफेक्ट, आइसोटोप्स के केस में हाइपर कंजुगेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है देखना। मैं ऐसे लेता हूं CH3CH2, मैंने अभी आपको इफेक्ट ऑफ आइसोटोप लिख लेना, इफेक्ट ऑफ आइसोटोप। ठीक है, और एक लेता हूं CD3CH2 पॉजिटिव। मुझे बताना यहां पे जब हाइपर कंजुगेशन करोगे तो CD CH2 पॉजिटिव। देखो हाइपर कंजुगेशन में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर होगा, यहां पे ये इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर होगा, दोनों में हो सकती है हाइपर कंजुगेशन। क्यों, हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम दोनों भाई भाई होते हैं, इसलिए। तो हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर किस क्या बनेगी, यहां पे बनेगी CH पॉजिटिव, यहां H, ये H डबल बॉन्ड CH2, यहां पे क्या बनेगी CD D पॉजिटिव डबल बॉन्ड CH2। ठीक है,
अब मुझे ये बताना है, मुझे ये डिसाइड करना है कि हाइड्रोजन वाली हाइपर कंजुगेशन ज्यादा है या ड्यूटेरियम वाली हाइपर कंजुगेशन ज्यादा है। एक बात बताना, मास किसका ज्यादा है? ड्यूटेरियम का मास ज्यादा है, मास नंबर टू। इसका मास कितना है? वन। अच्छा, मोटे आदमी के अगर इसका मास ज्यादा है तो मैं कह दूं ये मोटा है थोड़ा, तो मोटे आदमी से बॉन्ड को, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेना कुछ थोड़ा मुश्किल होता है, और ये पतला सा आदमी है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेना थोड़ा आसान है। ऐसा ही तो होता है ना भाई, तो एक एक बेंच पे दो स्टूडेंट बैठे हैं, उनमें से एक मोटा है, तो आप क्या उसके हाथ से आसानी से कुछ खींच सकते हो? या एक दोनों पतले पतले बैठे हैं उनके हाथ से आसानी से खींच सकते हो? मेरे हिसाब से तो इसी यहीं से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा डोनेट होगी, क्योंकि यहां से बॉन्ड की डीलोकलाइजेशन ईजी है, यहां से बॉन्ड की डीलोकलाइजेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट है। ठीक है, क्यों? इसका मास ज्यादा है, इसका मास कम है। तो हाइपर कंजुगेशन में ध्यान रखना, हाइपर कंजुगेशन हाइड्रोजन का ज्यादा होता है, ड्यूटेरियम का कम, ट्रिटियम का कम। जब मैंने इंडक्टिव इफेक्ट आपको कराया था, इंडक्टिव इफेक्ट, तो ये ऑर्डर उल्टा था, तो ये ऑर्डर उल्टा था, इंडक्टिव में उल्टा था, हाइपर कंजुगेशन में अलग है। ठीक है, हाइपर कंजुगेशन हाइड्रोजन का ज्यादा होता है, इंडक्टिव ट्रिटियम का ज्यादा होता है। एच से हाइपर कंजुगेशन और एच से हाइड्रोजन, ऐसे याद रहेगा। एच एच हाइपर कंजुगेशन हाइड्रोजन का ज्यादा, तो इंडक्टिव किसका ज्यादा? ट्रिटियम का ज्यादा, ऐसे याद रहेगा। तो हाइपर कंजुगेशन इस हाइड्रोजन का ज्यादा है, तो अगर मैंने इन दोनों कार्बोकैटायन में कंसिडर कर लिया तो ये वाला कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है। क्यों? इसमें एक्सटेंट ऑफ हाइपर कंजुगेशन ज्यादा है, इसमें एक्सटेंट ऑफ हाइपर कंजुगेशन कम है। तो आइसोटोप का इफेक्ट क्या आया? हैवियर इज द आइसोटोप, जितना आइसोटोप हैवी होगा हाइपर कंजुगेशन उतना कम होता जाएगा। हैवियर इज द, लिखना इस बात को, हैवियर इज द आइसोटोप लेस विल बी द हाइपर कंजुगेशन, लेस विल बी द अमाउंट ऑफ हाइपर कंजुगेशन, अमाउंट ऑफ हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। ये सभी एप्लीकेशंस थी बच्चों हाइपर कंजुगेशन की, बाकी का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट।